किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है, मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आज हम जिस गांव में आए हुए हैं उस गांव का नाम पपरोदा है। यहाँ पर एक किसान है, इनका नाम मसूद किसान। आज वो इल्ली की रोकथाम के लिए उपचार कर रहे हैं। आज वो हमको बताएँ कि इसकी रोकथाम के लिए किस प्रकार की जाती है और ये किस प्रकार बनाई जाती है। भैया राम राम। राम राम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है, मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आपका नाम बताएंगे भैया? मेरा नाम है असू। अच्छा, आपका नाम असू। आपके गांव का नाम क्या है? पिपरौदा। अच्छा, आपके गांव का नाम पिपरौदा। अच्छा भैया, आप इल्ली की रोकथाम के लिए एक दवा का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक दवा का, तो आप हमको बताएंगे कि उस दवा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? जी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, बताएंगे। जी बाजार से हम एक डब्बा लाते हैं, एक लीटर का वो आता है, एक लीटर का इतना बड़ा दवाई का डब्बा लाते हैं। दवाई का डब्बा लाते हैं। तो आप जो दवाई का डब्बा लाते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है घातक डब्बा आता है, घातक के नाम से आती है वो दवाई। तो उस डब्बा का हम उपयोग करते हैं, एक लीटर का डब्बा आता है ना। अच्छा, डब्बा एक लीटर का रहता है। वो डब्बा भी एक लीटर का रहता है। उसी पहले उस डब्बे की दवाई को बाल्टी में डालने और फिर वही डब्बे से 10 लीटर पानी लेकर बाल्टी में डालने। अच्छा, तो उससे दवाई तैयार हो जाती है। उससे दवाई तैयार हो जाती है। दवाई रोकथाम के लिए घातक नाम की दवा है, तो ये एक लीटर की दवा रहती है जी। कितने मतलब फसल के लिए हो जाती है, कितने बीघा फसल के लिए हो जाती है? ये हो जाती है अपनी 5 बीघा के लिए हो जाती है। आपके मतलब ये 5 बीघा के लिए हो जाती है। तो ये इसकी कीमत क्या है भैया? इसकी कीमत है 500 रुपये। 500 रुपये का आता है। अच्छा, एक डब्बा 500 रुपये का। मतलब आपके लिए आता ये है कि 500 रुपये की दवा एक लीटर आती है और आप इसको 5 बीघा जमीन में छिड़काव कर सकते हैं। मतलब 5 बीघा की इल्ली खत्म हो जाती है। अच्छा भैया, आप हमें बताएंगे कि डब्बा जो है आपकी दवाई का नाम कैसा है, मतलब हम देखना चाहते हैं उसको। दवाई एक लीटर का डब्बा आता है। अच्छा, ये घातक नाम की दवा है आपकी और एक लीटर इसमें दवाई है। तो अब इसका अपन क्या करेंगे? इसको पानी में डालेंगे अपन। कितने पानी में डालते हैं इसको? डालते हैं इसी नाप का डब्बा होना चाहिए, एक लीटर का। तो एक लीटर का डब्बा, 10 डब्बा पानी नाप लो, इसमें 10 लीटर पानी है। अच्छा, इसमें 10 लीटर आपने पानी ले लिया। अब इसमें हम दवाई मिलाएंगे वही वाली। अच्छा, वही घातक नाम घातक मिलाएंगे, वही दवाई मिलाएंगे। तो इसमें मिला के पंप में डाल के इसमें चालू कर देंगे। अच्छा, वही आप इल्ली की रोकथाम के लिए दवाई तैयार कर रहे हैं। तो इसमें आपने ये अभी पानी बताया कि 10 लीटर पानी लेते हैं, पानी लेते और वो आपने दवा बताई कि दवा का नाम भी बताया घातक दवा जी। तो इसको बनाने के बाद तैयार हो जाती है दवा, इसका कितना भाग मतलब कितनी दवाई को पानी में मिला करके आप इसका उपयोग करते हो? ये करते हैं 200 ग्राम का एक गिलास आता है। अच्छा, 200 ग्राम का गिलास। अच्छा, गिलास आपका घर पर मिल जाता है कि दवा के साथ में आता है? नहीं, घर से मिल जाता है। अच्छा, दवा के साथ में भी आ जाता ले लो अपन तो आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो वो है ना पंप में अपन भर लो पंप को। अच्छा, कितने गिलास पानी डालें उसमें पंप में आप? वो दवा कितनी दवा डालते हैं 2 गिलास। अच्छा, 2 गिलास दवा डाल, 2 गिलास दवा डालते हैं और पंप शायद आपका कितना 15 लीटर का 15 लीटर का पंप आता है। तो 15 लीटर में 2 गिलास दवा डाल जाए। आप कहने का मतलब है कि ये 15 लीटर पानी हो और उसमें 200 ग्राम के 2 गिलास दवा डालें, बस 400 ग्राम दवा और 15 लीटर पानी में डाल के अपन छिड़काव कर सकते हैं। ये दवाई अपन ने डाल ली है। अच्छा, ये दवा आपने तैयार कर ली है। तो भैया, आप ये बताइए कि आपने अभी तो ये पानी का रंग तो कोई होता नहीं है, पर आपने दवा डालने के बाद ये सफ़ेद हो गया, बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो गया। ऐसी दवा आती है मतलब पानी में डालती हुई सफ़ेद हो जाता है। अच्छा, पानी सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद हो जाता है। अच्छा, दवा तो वैसी आती है पानी में। मैं पानी डाल लिया हूँ ये। अच्छा अच्छा, तो अच्छा पहले आप पानी डाल रहे हैं? हाँ, पहले पानी डालता हूँ। अच्छा, 15 लीटर पानी है ये? 15 लीटर पानी। अच्छा अच्छा, तो इसमें अपन 2 गिलास दवाई डालेंगे। अच्छा, ये पंप में आपने पानी डाल लिया है और आप इसमें 2 गिलास दवाई डालेंगे। एक गिलास है अपन, इस गिलास से 2 गिलास पानी 15 लीटर दवाई पानी में डालते हैं दवाई। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि ये 200 ग्राम का गिलास है, इसको आप 2 गिलास भर करके दवाई से उस पंप में डालेंगे जिसमें 15 लीटर पानी भरा हुआ है। आप ये 2 गिलास दवा इस पंप में डाल रहे हो। ये दवाई तैयार है, अब इसको ले चलते हैं खेतों में डालने के लिए। अच्छा, ये आपकी दवाई तैयार है और आप इसको खेतों में डालें। अच्छा भैया, आप ये आप पंप लगा रहे हो? हाँ, तो लगाइए। चलिए, अरे
देखूँ कि और चलते हैं अपन भी। अच्छा भैया, आपने हमको ये इल्ली मारने की दवा के लिए रासायनिक दवा का प्रयोग बताया कि किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार बनाई जाती है, कहाँ से दवाई प्राप्त की जाती है, तो आप हमें इसके लाभ बताएं। ना ये इल्ली रहती है ना, सब मर जाती है इससे। अच्छा भैया, इससे सारी इल्लियाँ मर जाती हैं? सारी इल्ली मर जाती हैं। तो इससे ना अपन बहुत फायदा होता है कि सोबिन भी ज़्यादा निकलती है, जैसे अपन जिस चीज़ में डाल रहे हैं ना उसकी सारी इल्ली मर जाती है, उससे फ़ायदा अपन को ही रहता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि ये डालने से सारी इल्लियाँ मर जाती हैं, वो इल्लियाँ फसल को नहीं खा पाती? फसल को नहीं खा पाती और ज़्यादा फसल निकलती है, ज़्यादा फसल पैदावार भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा तो भैया, आपने हमें इल्ली मारने की दवा बताई, इल्ली रोकथाम के लिए आपने दवाई का पूरा उपचार बताया, उससे संबंधित हमें और हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये मैं सभी किसान बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस दवाई का बढ़िया उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया दवाई है, इसका लाभ होता है इस दवाई। बहुत ही बढ़िया दवाई है, मैं चाहता हूँ कि यही दवाई हर किसान बहनों भाई उपयोग करें। तो भैया, आपने हमें इल्ली मारने की दवाई और इसको बनाने के लिए बताया, इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।